ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अधिकतर केस में प्रोटीन का बायोसिंथेसिस डीएनए के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है कुछ केस में जहाँ डीएनए नहीं पाया जाता है वहाँ जेनेटिक आरएनए के कंट्रोल में होता है पोलीपेप्टाइड की स्ट्रक्चर के लिए सूचना पोलिन्यूक्लियोटाइड चेन में स्टोर होती है चेन के एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बेस का सीक्वेंस एक पर्टिकुलर में एसिड के सीक्वेंस को निर्धारित करता है यह संबंध सेंट्रल डोगमा कहलाता है जो यह एक्सप्लेन करता है कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस न्यूक्लिक एसिड से कंट्रोल रहता है डायग्राम में डायग्राम ए वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन शो करता है जिसमें डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा आरएनए और आरएनए से ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन्स बनती है जबकि डायग्राम बी रिवर्स फ्लो ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इंफॉर्मेशन को भी शो करता है जिसमें डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा आरएनए और आरएनए से ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन्स बनती है इस डायग्राम में आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए बनने को भी बताया गया है प्रोकैरियोट्स में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है एक बैक्टीरियल सिस्टम जैसे ई कोलाई में एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के आर एन एज मैसेंजर आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए और आर आर एन ए का सिंथेसिस करता है यह एंजाइम जैसा कि डायग्राम में बताया गया है पांच पॉलीपेप्टाइड चेन्स जिनमें से दो अल्फा पॉलीपेप्टाइड एक बीटा एक बीटा डैश व एक सिग्मा पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ होता है इस प्रकार आर एन मॉलिक्यूल को एल्फा टू बीटा बीटा डैश सिग्मा फॉर्म में रिप्रजेंट कर सकते हैं इसमें से सिग्मा फैक्टर की कोर एंजाइम जो अल्फा टू बीटा बीटा डैश होता है से अटैचमेंट फर्म नहीं होती इसलिए इसे कोर एंजाइम से आसानी से अलग किया जा सकता है विभिन्न पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं जैसे बीटा बीटा-डेश चेन ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए मॉलिक्यूल की अनवाइंडिंग करता है तथा सिग्मा फैक्टर डीएनए मॉलिक्यूल पर स्टार्ट सिग्नल को रिकॉग्निशन में हेल्प करता है सिग्मा फैक्टर की एब्सेंस में कोर एंजाइम रैंडम मैनर में आरएनए सिंथेसिस शुरू कर सकता है जैसे ही आरएनए सिंथेसिस शुरू होता है और आरएनए एन आठ से नौ बेस लॉन्ग होता है सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम से अलग हो जाता है और कोर एंजाइम के द्वारा ही आरएनए का इलोंगेशन होता है यद्यपि प्रोकैरियोट्स जैसे ईकुलाई e. में सभी आरएनए का सिंथेसिस केवल एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल द्वारा होता है इनमें बहुत से सिग्मा फैक्टर्स होते हैं जो डिफरेंट जीन्स के एक्सप्रेशन के समय सेम कोर एंजाइम से जुड़ते हैं प्रोमोटर साइट फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए के सिंथेसिस के लिए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स होती है प्रत्येक यूनिट में एक स्टार्ट पॉइंट तथा एक टर्मिनेशन सिग्नल पाया जाता है एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के स्टार्ट पॉइंट के अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम यानी स्टार्ट पॉइंट से पहले तथा डाउनस्ट्रीम यानी स्टार्ट पॉइंट के बाद एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस पाया जाता है जो ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने के लिए आवश्यक होता है यह प्रोमोटर साइट कहलाता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बाइंडिंग साइट इसी प्रोमोटर सीक्वेंस में ही पाई जाती है प्रोमोटर रीजन में कंजर्व सीक्वेंस नहीं पाए जाते यद्यपि प्रमोटर्स के बीच में कुछ शॉर्ट सीक्वेंस कंजर्व हो सकते हैं 90 परसेंट प्रोमोटर्स में स्टार्टिंग पॉइंट प्यूरिन होता है तथा इस स्टार्ट पॉइंट से अपस्ट्रीम यानी स्टार्ट पॉइंट से पहले छह बेस पेयर का एक रीजन जिसे प्रिब बॉक्स कहते हैं लगभग सभी प्रोमोटर्स में पाया जाता है प्रिब बॉक्स का सेंटर सामान्यतः 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम होता है इसलिए इसे माइनस टेन सीक्वेंस भी कहा जाता है इसके अलावा एक अन्य सीक्वेंस माइनस थर्टी फाइव बेस पेयर अपस्ट्रीम पाया जाता है जिसे रिकॉग्निशन रीजन कहते हैं ई कोलाई प्रमोटर के माइनस टेन सीक्वेंस और माइनस थर्टी फाइव सीक्वेंस को आरएनए पॉलीमरेज द्वारा पहचाना जाता है इस प्रकार बैक्टीरिया के टिपिकल प्रमोटर में तीन कंपोनेंट होते हैं माइनस टेन सीक्वेंस माइनस थर्टी फाइव सीक्वेंस और स्टार्ट पॉइंट इनिशिएशन एंड इलोंगेशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज द्वारा आरएनए सिंथेसिस चार स्टेप में होता है सबसे पहले होलो एंजाइम प्रोमोटर साइट पर बाइंड हो जाता है और एक क्लोज्ड प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसमें डीएनए डबल हेलिकल ही होता है यह क्लोज्ड प्रोमोटर कॉम्प्लेक्स आइसोमेराइज होता है और जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में अनवाइंडिंग हो जाती है और दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं इस प्रकार एक ओपन प्रमोटर अनवाइंडिंग के पश्चात डीएनए के दोनों में से एक स्ट्रैंड पर आरएनए का सिंथेसिस शुरू हो जाता है और शुरू में यह सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज की बिना मूवमेंट हुए ही होता है जब नो no बेस का आरएनए चेन बन जाती है तब यह शॉर्ट आरएनए चेन डीएनए से रिलीज हो जाती है इसे अबोर्टिव इनिशिएशन कहते हैं एक बार जब इनिशिएशन शुरू हो जाता है तो सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम से अलग हो जाता है सिग्मा फैक्टर के कोर एंजाइम से अलग होने पर एक प्रोटीन नाउज ए की एंट्री होती है जो आरएनए इलोंगेशन में हेल्प करता है कोर एंजाइम में अब मेजर कंफर्मेशनल चेंज हो जाता है और एक स्टेबल टर्नरी इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स बनता है यह इलोंगेशन कॉम्प्लेक्स अब डीएनए के साथ मूव करता है और आरएनए का सिंथेसिस करता है टर्मिनेशन और एंटी टर्मिनेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में मैसेंजर आरएनए का टर्मिनेशन डीएनए पर प्रजेंट कुछ टर्मिनेशन सिग्नल्स के द्वारा होता है ये डीएनए सीक्वेंस जो टर्मिनेशन सिग्नल प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें टर्मिनेटर्स कहते हैं कई बार टर्मिनेटर्स की प्रजेंट के बावजूद कुछ फैक्टर्स के कारण टर्मिनेशन नहीं होता है यह है प्रोसेस एंटीटर्मिनेशन कहलाता है और जो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें एंटीटर्मिनेटर कहते हैं टर्मिनेशन सिग्नल्स जो डीएनए पर पाए जाते हैं वे दो प्रकार के होते हैं एक प्रकार के वो जो एक प्रोटीन फैक्टर जिसे रो फैक्टर या रो प्रोटीन कहते हैं के द्वारा रिकोगनाइज होते हैं और रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन काज करते हैं दूसरे प्रकार के वो टर्मिनेशन सिग्नल्स जिन्हें टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें रो इनडिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं रो प्रो रो फैक्टर एक प्रोटीन है दोनों ही केस चाहे रो डिपेंडेंट हो या रो इनडिपेंडेंट टर्मिनेशन हो टर्मिनेशन साइट्स या सिग्नल्स के पास एक पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस पाया जाता है इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के कारण मैसेंजर आरएनए में एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जिसे एट्यूनेटर्स भी कहते हैं जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज़ स्लो डाउन हो जाता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर्स में मैसेंजर आरएनए में यू बेसिस की पाए जाते हैं और डीएनए टेम्पलेट्स पर ए बेसिस पाए जाते हैं आरएनए के यू बेसिस और डीएनए के ए बेसिस में बेस पेयरिंग बहुत वीक होती है जिसे ब्रेक करने के लिए बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है चूंकि आरएनए पॉलीमरेज हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर के कारण स्लो हो जाता है तो किसी भी पॉइंट पर आरएनए के यू बेस और डीएनए के ए बेस के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और मैसेंजर आरएनए रिलीज हो जाता है जबकि रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में एक रो प्रोटीन एक्टिव हो जाती है जो शुरुआती मैसेंजर आरएनए के फाइव डैश एंड से अटैच हो जाती है और आरएनए की लेंथ के साथ मूव करती है जब आरएनए पॉलीमरेज हेयर पिन स्ट्रक्चर के कारण स्लो हो जाता है तो रो प्रोटीन उसे कैच कर लेती है और उसके साथ इंटरैक्ट करके मैसेंजर आरएनए को डीएनए टेम्पलेट से फ्री कर देती है